हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित देवांगन लर्निंग सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वॉशिंग मशीन में जो प्रेशर स्विच रहता है वो कैसे काम करता है, और अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपको कैसे पता कर सकते हैं, और उसके कारण से आपके वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हम प्रेशर स्विच को कैसे चेक करें और कैसे पता करें वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले मेरे प्रेशर स्विच को मैंने, जो मेरा टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का है, ये प्रेशर स्विच को मैंने निकाल लिया है। ये ऐसा काम करता है फ्रेंड्स कि आपका जो वाटर आपको कितना आपका इसमें जा रहा है टैंक में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है इस लाइन पर, और इसके अकॉर्डिंगली ये स्विच एक्ट करता है। अब हम इसको चेक कैसे करें, ये वोल्टीमीटर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी ऑफ पोजीशन में है। मैं इसको, ये जो कंटिन्यूटी मोड होता है मल्टीमीटर का, उसमें मैंने ला दिया है। आप चेक, मैंने जब दोनों लिड को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, दबा शॉर्ट करता हूँ, तो ये कंटिन्यूटी का साउंड आता है। तो इस तरह से हमको इसको चेक करना है। इसका आपको पहले वाले लीड और ये तीसरा लीड, ये दो लास्ट के दोनों लीड पर आपको करना है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये ओके है। अगर आपका प्रेशर स्विच ख़राब हो जाएगा तो ये जो पहले और तीसरे में आपको कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ओपन बताएगा, कोई साउंड नहीं बताएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। ये अभी टोटल पूरी सर्विस देखिए, रेजिस्टेंस अभी बहुत कम है और ये ऑलमोस्ट शॉर्ट है, कंटिन्यूटी बता रहा है। जब आपका ख़राब हो जाएगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ओपन बताएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने प्रेशर स्विच को चेक कर सकते हैं, और इसके कारण से आपको वाटर लेवल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो कि प्रेशर स्विच कैसे काम करता है और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।